नमस्कार, फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और त्योहारों का तो मौसम ही है और अब छठ पूजा भी आ गई है, पर आज मैं बहुत दिनों बाद एक फिर से नई वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी ना अभी पीछे कुछ तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो ही नहीं डाल पा रही थी। 15-20 दिन से हालत बहुत ही ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी, और मुझे कुछ कमेंट भी आए हरियाली से जुड़े मेरे भाई बहनों के, तो कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, मैम आपकी वीडियो आनी बंद हो गई है। पर मैं क्या करती, मैं बहुत बीमार थी, तो इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं आपको समय पे वीडियो नहीं दे पाई त्योहारों पर, और बहुत ही दुख की बात है। पर आज मैं जो आपको फिर से एक नई तरोताज़ा जानकारी के साथ हाजिर हूँ, क्योंकि मैं आज आपको, मैंने जो अपने एक मैरीगोल्ड के पौधे से कटिंग लगाई थी, 4-5 मैंने कटिंग लगाई थी बीमार होने से पहले, 1 महीने के पहले, तो वो मेरी कटिंग बहुत अच्छी हो गई। अब मैं ऊपर आके देखती हूँ अपने टेरिस पे, तो बहुत अच्छी कटिंग हो चुकी है। आज मैं उन कटिंग की ट्रांसप्लांटेशन आपको बताऊंगी, और उसी के अंदर जो सीडलिंग ट्रे थी उसी के अंदर ही मेरे वो कलियां निकलने लगी हैं, और कलियां आ गई हैं मगर पौधा नहीं फैला है। पौधे को बुशी होने के लिए तो मैंने वो कलियां भी निकाल दी हैं अपने वीडियो में, आप मेरे वीडियो में देखेंगे, और वो कलियां निकाल दी हैं और उनको मैंने अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दिया है पौधों को, अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छे जो आने वाले समय में बहुत अच्छे फूल दें मैरीगोल्ड के, अच्छे से उनको ग्रोथ मिले, खाद वगैरह अच्छे से समय पे मिल पाए, क्योंकि इन काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा मेरे पौधे कई पौधे तो मेरे ख़राब हो चुके हैं। पर अब मैंने जो फिर से थोड़ा सा ठीक होने के बाद और आप लोगों की दुआ और कृपा के साथ मैंने फिर से वीडियो डालना जारी किया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और मेरी आने वाली हर वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने जो भी आपको बताया बिल्कुल नेचुरल तरीके से बताया है, कोई हार्म पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं है, कोई प्रदूषण रहित चीज़ें नहीं है, और नेचर की तरफ आगे चलना और बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रोथ, अपने चाहे फूल के पौधे हैं चाहे हमारे फलों के पौधे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए हम एकदम नेचुरल तरीके से ही पौधे लगाना और बता रहे हैं आपको, और कोई ऐसा केमिकल वाली चीज़ें नहीं, एकदम फ्री चीज़ें हैं कि आप कटिंग के द्वारा भी ग्रोथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पौधा खरीदें, कहीं आपको कटिंग मिल जाए कटिंग के द्वारा लगाइए सीडलिंग। अपने यहाँ पे हमारे घर में इतने फ्रूट फल फूल आते हैं, उन्हीं से आप सीडलिंग कीजिए तो अपने बहुत अच्छी गार्डनिंग कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने मैरीगोल्ड के पौधे की तरफ। ये मेरे मैरीगोल्ड के पौधे हैं, ये मैंने कटिंग से लगाए थे, आप देख रहे हो कि ये सारी कटिंग मेरी बिल्कुल अच्छे से हो गई। मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी, 4-5 ही हो गई हैं, पर क्या है कि मैं इन्हें समय से निकाल नहीं पाई और इनकी केयर भी नहीं हो पाई है, तो इन्हीं में लगे लगे इनके ये कलियां आने लग गई इनमें, तो ये बढ़ भी नहीं पाए पौधे। अलग ये लग जाते तो इनकी ग्रोथ भी होती और समय पे इनकी पिंचिंग हो जाती, तो ये एकदम बूसी नुमा पौधे बन जाते। कुछ कारण था कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं इनकी केयर नहीं कर पाई, बस कटिंग ही लगाई थी, मगर चलो फिर भी कटिंग हो गई है अच्छे से। अब मैं इनकी ट्रांसप्लांटिंग करके दिखाती हूँ कि इनको अलग पॉट में लगा देती हूँ तो ये अच्छी ग्रोथ पकड़ जाएंगे पौधे और फूल भी अच्छे देंगे। अब आप देख सकते हैं कैसे इसमें कितने अच्छे से ये फूल आए हुए हैं, और इतनी ये बर्ड भी कितनी सारी निकल रही है एक एक पेड़ के अंदर। ये मैंने तोड़ भी दी थी कल, तो मैं नहीं चाहती थी कि पहले इसमें ये बर्ड वगैरह आए, पहले ये फैल ले तो सही, भूसी तो बने तभी तो अच्छा लगेगा ना, ढेर सारे फूल आएंगे। तो आज मैं इसकी आपको ट्रांसप्लांटिंग दिखाती हूँ किस प्रकार करें। ये सच में मैंने कटिंग से ही उगाए हुए हैं मेरे सारे, मैंने ऐसे एक मेरे पास मैरीगोल्ड का पौधा था, मैंने उसी में से ये कटिंग ली है और सारी कटिंग मेरी हो गई है और 1 महीने के आसपास हो गई है कटिंग लगे हुए। कटिंग भी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अब मैं
इनके लिए मिट्टी और पॉट तैयार करती हूँ, किस प्रकार की मैं सोइल लूँ और कैसे मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँ। ये मेरी किचन कंपोस्ट वाली मिट्टी है, मैं इसी के अंदर अपने पौधे लगाती हूँ और यही मैं आपको बताती हूँ कि, और इसमें चाय पत्ती वगैरह ये मिक्स है। तो बस ये मेरी मतलब किचन से निकली हुई है, किचन वेयर से बनी हुई खाद है, बस इसी के अंदर मैं अपने सारे पौधे ग्रोथ करती हूँ। ये थोड़ी सरसों की खली है, पाउडर बना के रखा हुआ है मैंने ये सरसों की खली का, तो ये मैं 2 चम्मच के करीब ये पाउडर डाल देती हूँ इसके अंदर। और ये मेरी कोयले की राख 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मेरा हल्दी का पाउडर है, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें ये डाल देती हूँ। अब बस यही चीज़ें मैं इसके अंदर डालती हूँ और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अभी तो हम इनको ना छोटे छोटे ही पोटों में लगाएंगे, क्योंकि छोटे उसमें लगाने में और ट्रांसप्लांट करने में पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि पौधा अच्छे से सर्वाइव इसलिए करता है कि उसकी मिट्टी भी चेंज हो जाती है, उसको अच्छी पौष्टिक मिट्टी भी मिल जाती है एनर्जिक वाली। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, एक बार ही आप उसको किसी बड़ी पोट के अंदर ना लगाएं, एक बार लगाने के बाद फिर वो मिट्टी को चेंज तो नहीं करते ना हम बार बार बड़े पोट की मिट्टी को। तो यही कारण है सबसे बढ़िया कि आप जब भी पौधे लगाएं छोटे से छोटे कंटेनर में लगाएं और उसके बाद उनको रिपोर्ट करते रहें समय समय पे, उनकी पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग वाले पौधे हैं तो सबसे बढ़िया भूसी पौधे बनाने का और हेल्दी पौधे बनाने का राज यही है। और अपनी नेचुरल मिट्टी, नेचुरल किचन कंपोस्ट से बनी हुई है पत्तियों वाली खाद से पौष्टिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम अपनी अच्छे नेचुरल चीज़ों में ही पौधे फूल फल जो भी हम अपने उगाएं नेचुरल चीज़ों से और नेचर की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें, केमिकल से निकल के। केमिकल तो हम लोगों ने बहुत खाए हैं, सब्जियों में भी खाए हैं, और प्रदूषण जो हमारा आसपास का माहौल है बिल्कुल प्रदूषण भरा है। तो क्यों ना हम अपने थोड़े से पौधे लगाएं और अपनी एनर्जी को बढ़ाएं और अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करें, जो हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए बेस्ट है। और पौधे भी हमें हरियाली भी देंगे, खुशियां भी देंगे और फल और फूल भी देंगे। मेरा ये पॉट तैयार हो चुका है, मैंने इसमें भी ये कंकर वगैरह लगा दिए हैं। ड्रेन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी, ये मेरे पास पत्तू की पत्तियां पड़ी हुई हैं, मैं ये डालूंगी, क्योंकि इससे नीचे एकदम मिट्टी निकल के भी नहीं जाती है और ये खाद भी बन जाएगी नीचे सड़ गल के। सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका मेरा लगाने का यही है। मैं अपने हर पॉट के अंदर थोड़ी बहुत पत्तियां सूखी रखती हूँ, इससे ना तो अब ये मिट्टी निकल के जाएगी और नीचे ये पड़ी अपनी सड़ती रहेगी और खाद देगी। अब हम इसके अंदर ये मिट्टी डालते हैं जो हमने तैयार की है। अब हमने इसमें मिट्टी भर दी। मेरे पास ये पॉली बैग पड़ी हुई है, इसके अंदर देख सकते हैं आप पूरे में ड्रेन होल हुए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी नीचे सूखी पत्तियां डाल देती हूँ और मैं इसके अंदर भी पौधा लगा दूंगी। अब इसके अंदर भी हम ऐसे ही मिट्टी भर देते हैं अपनी ये। एक और मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं इसमें भी लगा देती हूँ, क्योंकि काम भी आ जाएंगे और इनमें अच्छी ग्रोथ भी पकड़ेंगे पौधे। फेंकने से अच्छा, प्रदूषण फैलाने से अच्छा है कि हम इनको यूज में ले। हम मैंने इन तीनों में मिट्टी भर दी है।
अब इनके अंदर मैं पहले थोड़ी सी वाटरिंग कर देती हूँ, जितनी मिट्टी निकलनी और बैठनी होगी बैठ जाएगी। ये मेरा पौधे लगाने का तरीका है। अब आप देख सकते हैं मैंने जो मिट्टी के अंदर पानी डाला था, इनके अंदर सब इनका पानी ड्रेन हो गया है और जितना मिट्टी को पीना था पी चुकी है मिट्टी और बैठ भी गई है। अब मैं लगाती हूँ इनमें पौधे। मैं ये वाला निकालती हूँ, देखिए अच्छी रूट भी आ गई है पौधे के अंदर। मैं ज्यादा मिट्टी नहीं हटाऊंगी इसकी और ये पौधा बिल्कुल बढ़िया लगने के लिए एकदम तैयार है। अब मैं इसमें मिट्टी डाल देती हूँ। ये पौधा बिल्कुल लग चुका है। अब मुझे इसमें से क्या करना है, मुझे इन फूलों का लालच नहीं करना है, क्योंकि अगर ये मैंने लालच किया तो ये दो तीन ही फूल आएंगे इसके अंदर। और मैं इसको भी निकाल देती हूँ, और ये मैंने तोड़ा था तो इसको मैं नीचे से कट कर देती हूँ। अब इस पौधे की पिंचिंग करनी है जिससे कि ये भरा पूरा हो, और कुछ टाइम बाद मैं आपको इसके बारे में दिखाऊं। क्योंकि जब पौधा भरेगा तभी तो अच्छे लगेंगे ना फूल भी, तो नहीं तो अगर नहीं निकालूंगी तो ये सारी कलियां इसकी एनर्जी ले लेंगी, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो यही कारण है। और अब ये मेरा ये वाला लग के तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा वाला भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसके अंदर भी अच्छी रूट आई हुई है, कितनी अच्छी रूटें आई हुई हैं एक महीने के अंदर ही कटिंग में। अब मैं इसको इसमें लगा देती हूँ। अब इसके अंदर हम चारों तरफ मिट्टी भर देंगे। और इसको भी अब निकाल देते हैं। अब ये कुछ बढ़ जाएंगी तो इनकी हम पिंचिंग करेंगे। अभी तो इनको सेट होने का टाइम भी चाहिए। मैं इस ट्रे में से इन छोटे छोटों को भी देखो, इसके अंदर तो अभी आई भी नहीं है। मैं इसके अंदर इसको लगा देती हूँ, क्या पता ये ग्रोथ हो जाए इसकी। अब ये पौधे लग चुके हैं चारों। अब मैं थोड़ी थोड़ी इसके अंदर वाटरिंग कर देती हूँ, क्योंकि हम पहले भी इसमें पानी दे चुके हैं, इसलिए हल्की हल्की वाटरिंग कर देती हूँ। बस ये लग के तैयार हो गए हैं। अब मैं एक दो रोज इनको शेड में रखूंगी और उसके बाद इन्हें फुल सनलाइट में रखने वाली हूँ, और देखती हूँ कितनी जल्दी ग्रोथ पकड़ने वाले हैं ये पौधे। तो ये मेरे पौधे लगाने का तरीका और कटिंग के द्वारा मैंने बताया आपको, ये मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं और आज मैंने इनके ट्रांसप्लांट किए इसमें से सीडलिंग के कंटेनर में से निकाल के। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।